सर्वदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मूलकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सद्गुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से ये आनंदमय सत्संग का हम बच्चे लाभ उठा रहे हैं। आप ही की शक्ति से आपके नन्हे मुन्ने भक्त इतने प्रेम विभोर होकर आप जी की महिमाएं गाते हैं, आप जी के प्रति अपने अंतरात्मा का प्रेम को वर्णन करते हैं और आप जी के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखते हैं। ये आप जी की महान कृपा दया करुणा आशीर्वाद का फल है जो हमें ऐसे स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद देने वाला सत्संग की ये प्रभु आपकी कृपा से ही सत्संग आरंभ करते हैं। आप सत्संग में विराजमान होकर आप जी स्वयं ज्ञान देते हैं। हम हर पल हर घड़ी देना आप जी के चरणों का शुक्राना करते हैं। इतनी दया करना, इतनी कृपा करना, ये मेरे नाथ जो आप सत्संग में ज्ञान देते हैं, हम उन ज्ञान को अंतर आत्मा से स्वीकार करें, वो ज्ञान हम समझ जाए, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ जाए और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, जिससे कि हम आप जी की कृपा करुणा और प्रसन्नता का पात्र बन सके, तभी हमारा जीवन सफल होगा। एक शिष्य अगर गुरु को प्रसन्न कर ले, गुरु की प्रसन्नता का प्राप्ति कर ले, उस शिष्य के लिए उस संसार में उसके जीवन में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहते जो शिष्य गुरु चरणों की पूजा करता है, गुरु चरणों की सेवा करता है, गुरु के चरणों में अनन्य भक्ति भाव रखता है, गुरु के प्रति आत्म समर्पित होता है, उस शिष्य को देवी देवता भी नमन करते हैं। गुरु की भक्ति पाने के लिए हम सभी बच्चों को अंतर्मुखी होना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी जगत का हम जितना सुख भुगत ले, आखिर हमें शांति मिलती है अंतर जगत में प्रवेश करके। हम जीवन जीते हैं, सुबह से लेकर रात तक श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, पेट को पालने के लिए नौकरी करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, सारा दिन हमारा सुबह से शाम तक कर्म में गुजरता है। आखिर में हमें शांति कब मिलती है? जब हम एकांत में आकर विश्राम करते हैं। विश्राम की निवृत्ति होती है हमारे कंठ में। तो आज इसी के ऊपर प्रभु जी हमें कुछ उपदेश करना चाहते हैं कि जिस उपदेश का आधार क्या है, बाहरी जगत के हम कितना ही सुख भोगे, परंतु जो अंतर जगत का जो सुख है, अंतर जगत का जो आनंद है, वही असली आनंद है, वही परम उत्तम आनंद है। आज का जो सत्संग का विषय यही है कि संसार सुख और ध्यान योग साधना। संसार का सुख और ध्यान योग साधना में क्या अंतर है? हमें कौन सी चीज अपनाना है, कौन सी चीज का महत्व तो है? गुरुदेव बताते हैं, इस शरीर में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। इस शरीर में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, परंतु मनुष्य यदि एक बार इस शरीर का ध्यान द्वारा संशोधन कर ले और इसके मन का ध्यान द्वारा संशोधन कर ले, तो मनुष्य अपने जीवन में सदा काल के लिए सुखी रह सकता है। वो कैसे? महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक मानव के मस्तक में अनंत ज्ञान की ग्रंथियां, प्रत्येक मानव के तालु में अमृत भरे अनंत कुंड है, प्रत्येक मानव के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास है, प्रत्येक मानव शरीर में कई चक्र हैं, जिन चक्रों के स्वामी एक एक देवी देवता है। भगवान ने मानव को अपने जैसा ही बनाया, बनाकर भगवान ने मानव को राह दिखाने के लिए गुरु
का अवतार रूप में भेजा सदगुरु भगवान को, और भगवान ने गुरु के द्वारा जीव को यह समझाया कि ऐ जीव गुरु की आज्ञा में चल, गुरु के दिखाए हुए साधना को कर, गुरु के प्रति समर्पित हो जा, गुरु तुझे जो तेरे अंदर सोई हुई ईश्वरीय शक्तियां गुरु उनके ज्ञान करा देंगे और उन शक्तियों को अद्भुत करा देंगे। ईश्वर की हम जीवों के लिए एक महान कृपा है। गुरुदेव फरमाते हैं कि एक मानव के अंदर अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाश होते हुए मानव के अंदर, मानव के शरीर में देवी देवता का वास होते हुए, अमृत कुंड का वास होते हुए, छह चक्रों का वास होते हुए, अनंत ज्ञान की ग्रंथियां होते हुए ये अभागा मानुष दुख में दरिद्र हो रहा है, कष्ट में दुखी हो रहा है। कारण क्या है? गुरुदेव बताते हैं जिस प्रकार एक श्वान हड्डी को चूसता है वो सोचता है कि हड्डी में पता नहीं कितना कुछ रस है, उसको चबाता रहता। फिर अविद्या के कारण श्वान को ज्ञान नहीं है कि इस हड्डी में कुछ नहीं रखा हुआ है, उसको भ्रम है इस हड्डी के अंदर पता नहीं कितना रस है, चूसता रहता है। चूसते चूसते क्या होता है, उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। तो श्वान को ज्ञान नहीं होता कि इस हड्डी में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इसी प्रकार जो मानव भटका हुआ है, उसको न मन की तरफ ध्यान है न शरीर के ध्यान है, वो केवल बाहरी जगत में फंसा हुआ है, बाहरी सुख शांति में वो सोचता है, बाहरी जगत में पता नहीं कितना आनंद का भंडार पड़ा हुआ है, वो बाहरी जगत की तरफ भागता है और अंत में उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। महाराज जी फरमाते हैं तुम सुबह से रात तक कितने परिश्रम कर लो, आखिर में तुम्हारे कंठ में एक चक्र है जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं, उस चक्र में तुम्हारी सारा दिन का श्रम का निवृत्ति होती है। क्योंकि श्रम के बाद जो नींद आती है, नींद में जीवात्मा कंठ में सोता है, कंठ में उसको निद्रा देवी का वास होता है, सारा दिन कार्य करने के बाद श्रम करने के बाद जब वो निद्रा करता है वो जीव, उसको निद्रा करने के बाद उसे उसकी सारी थकावट उसके श्रम सारी चली जाती है, और निद्रा के बाद जब वो जागृत अवस्था में आता है तो पूरे स्फूर्ति में होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम मानव के अंदर कंठ में जो चक्र है जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं, जिस चक्र की देवी माता दुर्गा, वो विशुद्ध चक्र में हमारी श्रम की निवृत्ति होती है। उसके बाद भाई फरमाते कि तुम संसार से इतना धन दौलत हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लो, परंतु आखिर में आपका जो श्रम की निवृत्ति कब होती है, जब आप घर में आकर शांत मुद्रा में विश्राम करते। तो कहने का भाव ये है कि हमारे शरीर के अंदर अनमोल खजाने, इन खजानों को हमें क्या, हम इन खजानों को जान नहीं पा रहे। उसके अतिरिक्त महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम इस खजाने को जान जाएंगे तब हमें इस बात का ज्ञान होगा कि हमारे कंठ में एक ऐसी शक्ति है कि हम संसार बाहरी संसार की से कुछ भी प्राप्त कर ले, आखिर जाके उसकी जो उस प्राप्ति के बाद जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो हमारे शरीर के अंदर ही। और जिस समय हमें निद्रा आती, निद्रा में क्या होता है, निद्रा करने के पहले हम अपने आभूषण अलंकार को निकाल देते हैं, कीमती चीजें जो अलमारी में रखी है उसकी चाबी भी हम छोड़ देते हैं, जो गहन निद्रा में चले जाते हैं तो बहुमूल्य मिले चीजों के प्रति तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। इसीलिए हमें निद्रा के बाद हम जागृत अवस्था में हमारे अंदर एक आनंद का संचार होता है, आनंद की लहर का संचार होता है, और जागृत होने के बाद
हमें हमारे अंदर स्फूर्ति आती है। अगर निद्रा में, निद्रा काल में आपको जरा सी भी संसारिक वस्तु का ध्यान आ जाता है तो आपकी निद्रा उड़ जाती है। पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको गोली खानी पड़ती है। और आप कहते नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि जिस समय हमने रिलैक्स संसार को भूलकर विश्राम में जाना था, उस समय हमें संसार की किसी भी बात में हमारा मन अटक गया और नींद उतर गई। उससे हम बड़े व्याकुल होते हैं, हमारी शांति का भंग होता है। महाराज जी इस उदाहरण के साथ कहना क्या चाहते हैं, कहने का भाव क्या है कि अगर हम संसार के तरफ ध्यान को हटा दे और अंतर्मुखी हो जाए, बिल्कुल अंदर अंतर्मुखी होकर, चाहे आज्ञा चक्र में ध्यान लगा लो, गुरु का स्थान है जहाँ गुरु आपको शुद्ध विचार देते हैं, ईश्वरीय पावर भेजते हैं और आपके अंदर ईश्वरीय विचार देते हैं, ईश्वरीय गुण पनपते हैं। जिस आज्ञा चक्र से गुरु फरमाते हैं कि तुम उस आज्ञा चक्र में ध्यान लगाओ, उस ध्यान के समय अगर आप संसारिक बातों को भुला देते हो, यानी कि आपकी वृत्तियां बाहर मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाती है, तो आपको सारी सिद्धि शक्तियां प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, गुरु बताते हैं कि अगर तुम संसार की तरफ से अपना ध्यान को हटाकर अपने कंठ में ले आओ, विशुद्ध चक्र में जिसकी स्वामिनी दुर्गा माता है, वहां ले आते हो, तब भी आपको बहुत ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त होती है। आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप क्या हैं, आप एक शुद्ध बुद्ध शाश्वत आत्म स्वरूप हैं। फिर महाराज जी फरमाते हैं अगर आप अपना ध्यान हृदय में लगा लेते हो, हृदय में कौन है, हृदय में तैश्य हार दल कमल है। इन कमल दलों में कौन कौन से गुण है? इन कमल दलों में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, लज्जा है, ज्ञान है, वैराग्य है, आनंद है, सर्वज्ञता आदि सभी गुण इन हृदय चक्र के कमल दल में, जिसके स्वामी कौन है, भगवान शंकर। अगर गुरुदेव आपको आपका ध्यान हृदय कमल में स्थित कर देते हैं, गुरुदेव अपनी योग शक्ति से आपके हृदय में जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, ये विकार को हटाकर आपके अंदर गुरुदेव प्रेम पैदा करते हैं, वैराग्य पैदा करते हैं और आनंद पैदा करते हुए आपको सर्वज्ञाता बना देते, गुरु बनाते हैं। और इसके अलावा गुरुदेव फरमाते हैं कि आपके हृदय में, हृदय आकाश में एक अंगूठे के बराबर एक ज्योति जल रही है, 24 घंटे वो ज्योति जल रही है और वो ज्योति हर पल ओम की ध्वनि लगा रही है। उस ज्योति के अंदर से 24 घंटे ओम का मंत्र चल रहा है। वो मंत्र आपको कब सुनाई देगा? जब आप अपने हृदय पटल में कान को केंद्रित करोगे और षणमुखी मुद्रा लगाओगे, अंगूठे से कान ढकोगे, छोटी उंगलियां ठोड़ी पर रखोगे, दूसरी उंगलियां नासा द्वार के सामने, तीसरी नाक के सेंटर में और चौथी नाक के एंड में, षणमुखी मुद्रा में बैठकर तुम अगर हृदय कमल में ध्यान लगाते हो, बाहरी दुनिया से अपना ध्यान को हटाकर हृदय कमल में ध्यान लगाते हो, तो सद्गुरुदेव आपके अंदर दिव्य शक्तियों का जन्म देते हैं। वो कौन कौन सी है? आपके अंदर सद्गुरुदेव ज्ञान देंगे, वैराग्य देंगे, आनंद देंगे और आपको सर्वज्ञाता बना देंगे। इस हृदय कमल में एक अंगूठे के समान, हृदय कमल के आकाश में, हृदय आकाश में अंगूठे के समान एक ज्योति जल रही है, जो ज्योति के अंदर से हर पल ओम की ध्वनि चल रही है। महाराज जी फरमाते हैं कि जब आप षणमुखी मुद्रा लगाकर प्राणों को लय कर देते हो, प्राणों को अपने अंदर लय कर देते हो, उस प्राण में आपका मन लय हो जाता है, यानी कि आप पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाते हो। पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होकर होते ही आपको अपने हृदय में, जिनका स्वामी भगवान शंकर है और जिस चक्र को अनहद चक्र कहते हैं, उस चक्र से जो 24 घंटे ओम की ध्वनि निकल रही है,
आप षण्मुखी मुद्रा बैठकर अंदर जाते हो, उस चक्र में ध्यान केंद्रित करते हो, तो आपको ये ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि को कहते हैं अनहद नाद। ये नाद अनहद चक्र से निकलता है। और महाराज जी फरमाते हैं कि ध्यान में बैठकर जिनको इस नाद की नाद सुनाई दे वो बहुत पावन योगी है। और जब ये नाद सुनाई देता है आपका मन इस नाद को सुनने में लय हो जाता है, उस समय आपके जो मानस पटल जो आपका चिदाकाश है, चिदाकाश में तरह तरह के रंगों के दर्शन होते हैं, उसको कहते हैं तत्व दर्शन। किसी को सफेद प्रकाश के दर्शन होते हैं, वो तो बिल्कुल अंतिम स्टेज है प्रकाश का। वो प्रकाश आपके हृदय कमल में जो ज्योत जल रही है उसमें वो प्रकाश निकलती है। आपको कभी लाल रंग, कभी गुलाबी, कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला, अलग अलग तत्वों के आपको दर्शन होने लगते हैं। और योगी उन दर्शनों को पाकर उसके अंदर की त्राटक लग जाती है, उसका मन एकदम रुक जाता है, उसका मन एकदम स्थिर हो जाता है। इसी को योग कहते हैं। इस योग अवस्था को पाने के लिए महाराज जी फरमाते हैं कि पहले प्राणों को लय करो। प्राणों को लय करते प्राणों में मन को अंतर्मुखी करोगे तो प्राणों में मन लय हो जाएगा। प्राणों में मन लय होते ही मन के अंदर एक स्थिर अवस्था आ जाएगी। उस स्थिर अवस्था में ही आपको तत्वों के दर्शन होते हैं। जब आप इस प्रकार षण्मुखी मुद्रा ऐसे षण्मुखी मुद्रा लगा लेते हो तो आपको अनहद नाद सुनाई देता है। अनहद चक्र से जो ओम की ध्वनि वो सुनाई देती है। और महाराज फरमाते हैं कभी कभी किसी किसी को बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, किसी किसी को पक्षी की चिचिहाट सुनाई देती है, किसी को झरने की आवाज सुनाई देती है, किसी को बादल के गरजने की आवाज सुनाई देती है। बारिश फरमाते हैं जिसको बादल की गरजने की आवाज सुनाई देती है समझो समझना कि वो एक बहुत उच्च अवस्था का योगी है। और जिसको तत्वों के दर्शन होते हैं बारिश फरमाते हैं उनको तत्वदर्शी योगी कहते हैं। तो तत्वदर्शी योगी अति पावन होते हैं। क्यों? क्योंकि जिनको अंदर का सुख मिल जाता है, अंदर के दिव्य नजारे मिल जाते हैं, अंदर का नाद सुनाई देता है, वे अंदर ही रहता है, उसकी चित्त की वृत्तियां अंतर्मुखी रहती है, अंदर में समाया रहता है वो, उसको फिर बाहरी जगत का सुख से कोई मतलब नहीं, बाहर जाता ही नहीं। वो जो बाहर रहता है वो अंदर नहीं जाता, जो एक बार अंदर एंटर कर गया वो बाहर नहीं जाता। महाराज जी फरमाते हैं कि मन की दो दिशाएं, एक बाहर मुखी एक अंदर। संसारिक लोगों की जो वृत्तियां है, जिनके सिर पे गुरु नहीं है, जो साधना नहीं करते, जो सत्कर्म नहीं करते, जो ध्यान में नहीं बैठते, उनका मन बहुत चंचल होता है। चंचल मन का क्या स्वभाव है? चंचल मन जीव को हमेशा अपने नाच में नचाए रखता है। जीव को चंचल मन बहुत अशांत कर देता है। चंचल मन जीव को एक स्थान पर टिकने ही नहीं देता। एक बार क्या कहा, ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, सुबह से लेकर रात तक वो जीव उस मन के वश में परेशान हो जाता है। इस प्रकार उसकी जिंदगी बिल्कुल नरकी हो जाती है। तभी कहा गया जो चंचल मन है ये मानव का बहुत बड़ा शत्रु है। जो मन बाहर मुखी होगा उसको पद चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसकी जय जयकार चाहिए, उसके गुणों का बखान चाहिए, यानी कि उसके अंदर अहंकार जाग जाता है। और जो मन बाहर मुखी होगी वो मन दे अभिमान में रहेगा। जिसको देह का अभिमान है वो तो महान अज्ञानी है। जिसको देह अभिमान है वो बहुत बड़ा अहंकारी। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। गुरुदेव कहते हैं तुम अपना अहंकार मेरे को दे दो और मेरे से सब कुछ ले जाओ। गुरु के पास क्या है? गुरु के पास ज्ञान है, प्रेम है, ईश्वरीय शक्तियां। एक हमारे से अहंकार लेकर गुरु हमें सब कुछ देना चाहते हैं। ऐसे गुरु की महिमा का क्या हम कहां तक ज्ञान कर सकते हैं। और ऐसे गुरु के चरणों में हमारे रोम रोम श्वास श्वास
करोड़ों जन्म जन्म भी समर्पित रहे वो भी मैं कहती हूँ बहुत थोड़ा है। ऐसे गुरु की उपकार का बखान तो ये शारदा भी नहीं कर सकते, नेति नेति करके चुप हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु ब्रह्म के रूप होते हैं, स्वयं ब्रह्म रूप होते हुए अपने शिष्य को ब्रह्म रूप बना देते हैं, शिष्य को ज्ञान करा देते हैं। वो कैसे? तो बेटा तेरे अंदर अनंत ज्ञान की ग्रंथियां हैं, अंदर जा, अंदर जाते ही ये तेरी ग्रंथियां हिल जाएंगी। तेरे अंदर अमृत कुंड है, दिन रात अमृत कुंड से अमृत प्राप्त करके अजर अमर हो जा, मोक्ष पथ के अधिकारी हो जा। बेटा तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है, हर कहां भटक रहा है, कहां जाता है तू? जैसे कि मूलाधार चक्र में गणपति भगवान, जिसका मूलाधार चक्र में ध्यान लग जाए गणपति भगवान के दर्शन होते हैं, स्वाधिष्ठान उसके थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में भगवान ब्रह्म के दर्शन होते हैं, मणिपुरक में जो नाभि के पीछे भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, हृदय चक्र में हार्ट के बैक साइड में सूक्ष्म नाड़ी में हृदय चक्र में भगवान शंकर के दर्शन होते हैं, कंठ के पीछे सूक्ष्म नाड़ी में माता दुर्गा भगवान की शक्ति मातृ शक्ति के दर्शन होते हैं, और मस्तक में अग्र चक्र में भगवान विश्वनाथ के निराकार भगवान के दर्शन होते हैं, और शेषा चक्र में सदगुरु भगवान इष्ट वहां पहुंचकर उनके चरणों के साथ निपटा रहता है। शेषा चक्र भगवान सदगुरु के रूप में दिव्य स्वरूप में विराजमान होकर शिष्य को ज्ञान देता है। प्रभु जी कहते हैं कि संसार में कहां सुख है, संसार का सुख आप देख ही रहे, जिनका नाता आपके शरीर के साथ है कितने दिन आपके साथ निभा, बिल्कुल अस्थाई नाशवान। गुरु कहते हैं बेटा इस शरीर के अंदर रहकर इस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लो, शरीर छूटने के बाद आत्मा कुछ नहीं अपना प्राप्त कर सकती है, या मनुष्य से जो नीच निम्न योनि है उन योनि में आत्मा का कल्याण नहीं होता। वो योनि तो खाली अपना श्वास भुगतते हैं, टाइम पास करते हैं। एक मनुष्य जीवन ऐसा है कि जीवन में आकर जीव अपने आप को गुरु के शरण में डालकर अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करे, नित प्रति साधना करे। साधना के बिना ये आत्म ज्ञान और साधना के बिना ये आत्म आनंद, आत्म शक्ति की प्राप्ति, आत्म बोध और ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती। अभ्यास करना पड़ेगा। हम अभ्यास तो करना चाहते नहीं है, पूरी रात हम चाहते हैं जो मौज मस्ती मारे, एसी चलाए, रात को खूब अच्छा भोजन करके, शरीर में ज्यादा भोजन करोगे आलस तो आ गई, अपना सो जाए। उनका भोजन तो करते नहीं है, तो तामसिक भोजन करते हैं, तो तामसिक भोजन तो आलस देता है, निद्रा देता है, मोह में फंसाता है जीव को। हमें चाहिए हमारे परमात्मा हैं कि रब जीना दी दोस्ती मन संतान दा गुप्तर, रजना खांदे रोटिया ना सोंदे पैर फसा। रब जीना दी दोस्ती, जिनकी दोस्ती रब के साथ है वो ना रज के रोटियां खाते ना पैर पसार भी ज्यादा सोते हैं। कहते योगी की निशानी क्या है, योग योगी अल्प सा आहार लेता है, तुरंत निद्रा लेता है, हर पल उसके श्वासों में वो प्राणायाम चलाता रहता है, यानी के प्राणों को लय रखता है। किसमें लय रखता है? अपने स्वरूप में। परम परमेश्वर पूरे सृष्टि का मालिक है। अगर आप चाहोगे, आप सोचोगे मैं परमेश्वर को पा लूंगा, हर तीर्थ कर लेता हूं, फिर भी देखना संसार में दो चार तीर्थ रह जाएंगी। आप सोचोगे भगवान को मैं यहाँ खोज लू ना खोज, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, आप भगवान को कहाँ कहाँ तक खोज पाओगे? हमारे परमात्मा जो पिंडे दो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे जो पिंडे, जो खोजे तो पाए, यानी के ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो हमारे पिंड देश को। तो हमने क्या करना है कि पिंड देश से अपनी चेतना को ब्रह्मांड में लेके जाना है। ब्रह्मांड में कहां से जाना है? आज्ञा चक्र में
मन को एकाग्रित कर, मन को एकाग्रित करते ही आपको अपने चिदाकाश दर्शन होंगे, आपको आत्मबोध होगा, आपकी चेतना शरीर से अलग हो जाएगी। जो अवस्था मैंने शारदा बहन जी के अंदर देखा लास्ट के 3 दिन, वो देवी इतना शरीर में कष्ट था, बैट सोल इतना बुरी तरह से हुआ पड़ा था और शरीर का मैं बता नहीं सकती, उनके लंग्स में इतना डैमेज, डबल निमोनिया। और 3 दिन मैंने उस देवी को देखा, अपने एकदम शरीर से हटी हुई थी, ध्यान मुद्रा में, समाधि में, लंबी लंबी श्वास, हर श्वास में हे प्रभु हे प्रभु, जो मैंने पिला दिया पी लिया, रंजी शांत आराम है। हर पल उस देवी ने कहा मुझे आराम, तौबा मेरी, उससे मैंने यही जाना, इस देवी ने जो सारा जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, अंतकाल में गुरुदेव ने स्वयं उनकी चेतना शक्ति उनके शरीर से हटाकर उनके आत्मा में स्थित कर दी। हंसते हंसते शरीर छोड़ा, एक बार शरीर बिल्कुल जैसे कहते ना कि भी श्वास एकदम रुक जाता है, प्रभु कृपा से जैसे फर्स्ट एड दिया जाता है, लोग ने ऐसे थपकी थपकी मारी और एकदम सांस चल पड़ा, दोबारा फिर ऑक्सीजन 92 तक पहुंच गया। पता नहीं प्रभु जी ने क्या प्रेरणा दी, हमने हम 2-3 जने थे, चालीसा शुरू कर दिया, 7 चालीसा गाए, 8वीं में कुछ दिल्ली के भगत आ गए, 9वीं चालीसा, उसके बाद जैसे आरती करी, आरती खत्म होते बहन जी एकदम शांत हो गए। इसको कहते हैं योगी का शरीर छोड़ना। ब्रह्म द्वार से गए, वहां ऊपर खींचा बहन जी ने, बस शांत हो गए। अंत में 3 दिन मैंने, और 2 दिन तो मैंने देखा उनकी मस्तक में ऐसी आड़ी लकीरें चमकीती हुई लकीरें, और बहन जी लगी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कोई सिद्ध पुरुष लेटे हुए, मैंने प्रणाम करा। ये है योग की अवस्था। वो देवी पूरा जीवन एकदम निर्लेप रही, विराग में रही, उनको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। परिवार वालों को फोन करा, वो कहते 3 साल से तो कोई मासी कहता है, कोई बुआ कहता है, कोई आंटी कहता है, उनका तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना फोन ना लेना ना देना। अपने में मस्त हमेशा कहती थी दमयंती, मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, ना सुख की ना दुख की, बस हर वक्त ऐसा लगता था प्रभु जी। कल मुझे ध्यान में आई बहन जी मेरे पास ही बैठी, महाराज जी है, बड़ा दिव्य नजारा था। मैंने अंजू को बताया, अंजू कह लगी बहन जी इसका मतलब दिव्य लोक में, इसमें तो संजय की बात ही नहीं है। कहने का भाव ये है कि ये मनु जन्म हमें मिला है, ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, बहुत जन्मों के जब पुण्य कर्म एकत्रित हो जाते हैं तब हमें ये मनुष्य चोला मिलता है। तो हमें महाराज जी फरमाते हैं ये चोला, इसको देव दुर्लभ चोला कहा गया, देवी देवता योगी गुरु की शिष्य बनने के लिए मनु चोला में आने के लिए तरसते हैं। महाराज जी ने फरमाया मुझे तो बेटा तुम लोग इतनी भाग्यशाली बच्चिया हो जो महाप्रभु रामलाल त्रिलोकी के मालिक है उनकी दरबार की सेवा कर रहे, प्रभु जी उनकी दरबार की सेवा में तुम बच्चों को ले लिया है, कहते तुम्हें देखकर इंद्र भी ईर्ष्या करता है, देवी देवता को ईर्ष्या होती है। मैं जी वो क्यों, कहते वो भी नर चोले में आकर हमारी सेवा करना चाहते हैं, पर ब्रह्म की इच्छा के बिना थोड़ी आ सकते हैं। पर वो क्या करते हैं, अदृश्य रूप से जहां जहां प्रभु जी के यज्ञ होते हैं, जहां जहां भवन के निर्माण होते हैं, देवी देवता अदृश्य रूप में शक्ति रूप में आकर दरबार की सेवा करते हैं। जब तक देवी देवता वो बेदेही होते हैं, देहधारी नहीं होते, तो कहते हमारे फरमाते हैं कि आत्मा के कल्याण के लिए देह का होना बहुत जरूरी है, देह के बिना हम आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर देह बनाया, देवी देवता का स्थान बनाए, इतने सारे चक्र बनाए, अमृत कुंड बनाए, ज्ञान की ग्रंथि बनाए, इस चीजों को हम कैसे पा सकते हैं। भाई फरमाते हैं कि ऋषि मुनि महापुरुष लोग जो हमारे हृदयाकाश में एक अंगूठे के बराबर जो ज्योति जल रही है, कहते इस ज्योति के दर्शनों के लिए महापुरुष वर्षों लगा देते जंगलों में, वर्षों तक जंगलों में
तपस्या करते हैं इस अंगुष्ठ रूप इस आत्मा का ज्योति के दर्शन पाने के लिए। ये दर्शन तो हमारे गुरुदेव चरणों में आते ही जब ध्यान में बैठाते हैं, ध्यान में बैठाते ही दर्शन हो जाते हैं। कितना एक कठिन योग को हमारे गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया। भाई पार्वती बेटा, तुम लोगों को मैंने खीर का पतीला तुम्हारे अंदर रख दे दिया, तुमने खाना है और बांटना है, इसके लिए भी तुम आलस करते हो। कहते खीर बनाया हमने, पतीला भी हमने जुगाड़ करा, सामग्री हम लाए, तुम्हारा के भरा पतीला रख दिया। बेटा तुमने कल खाना है, इसके लिए तुम हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे, इनके पुरुषार्थ नहीं करोगे, हम क्या करें। इसलिए महाराज जी की इन आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें नित्य प्रति ध्यान योग की साधना करना चाहिए। और देखो ध्यान योग के साधना के लिए दो चीज चाहिए, क्या? एक तो मन की स्थिरता और मन की निर्मलता, शुद्धता। मन की निर्मलता क्या है कि अंतकरण में किसी के लिए गलत मत सोचो। महाराज जी की एक बात मुझे आज भी याद आती है, जे तेनु मारे मुखिया हाथ उना दे चुन। आज व्हाट्सएप में फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस के ऊपर इतना सुंदर एक गुरु ने बोला, मजा आ गया। सरदार पटेल उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे पूरे इंडिया के, कहते किसी ने उनके मुंह में थूक दिया, इतने बड़े महापुरुष के इसने गाल में थूक दिया, किसी को गुस्सा आ गया होगा, थूक दिया उनके ऊपर। उन्होंने क्या करा, अपना रुमाल उठाया, गाल को पोंछ दिया। पोंछते हुए कहता है कि चलो किसी ने गुस्सा तो फेंका, किसी ने गुस्से को तो बाहर फेंका, बताओ इतनी बड़ी बात है। कहते हमें जीवन में हमेशा क्षमावान होना चाहिए। कहते जो अगर हम जीव के प्रति क्षमा भावना रखेंगे, भगवान हमारी हर गलतियों को क्षमा करेंगे। कहते जो तुम करते हो ना वही तुमको मिलता है। तुम किसी को क्षमा करोगे भगवान तुम्हें क्षमा करेंगे। हम किसी के प्रति क्षमा भावना कब आएगी हमारे अंदर, जब हम उसकी बुराइयों को ना देखकर उसकी अच्छाइयों को देख लें। आज उसमें बुजुर्ग ने यही कहा, कहते तुम जो तुम्हारे साथी हैं उनको भी तुम क्षमा करो। क्यों क्षमा करो? क्योंकि उन्होंने तुम्हारा बहुत हेल्प करा, एक आध बारी हेल्प नहीं भी करा कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। अपने भाई बहनों को क्षमा करो। क्यों? क्योंकि भाई बहनों ने तुमसे बहुत प्यार किया, तुम्हें अपना माना, एक आध बारी कुछ कह भी दिया, क्षमा कर दो। माँ बाप को भी क्षमा कर दो। वो कैसे? माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, जब तुम बिल्कुल कुछ तुम्हें हाथ पे नहीं चलते थे, तुम्हें गोदी में पाला, माँ ने तुम्हारे छाती से लगाया, माँ ने खुद कष्ट सहन करके तुम्हें सुख दिया, पिता ने तुम्हारी पालन करी, तुम्हारी रक्षा करी, तुम्हें शिक्षा दिया, तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज तुम इतने पढ़े लिखे होकर इतनी अच्छी कमाने के योग बन गए। कि किसने बनाया? माँ बाप ने। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया, माफ कर। फिर कहते हैं कि गुरुजनों के लिए भी फॉरगिवनेस लाओ। कई लोग कहते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो कहते हैं अरे गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी ने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी, गुरुजी ने ये नहीं करा। कहते नहीं, कि तुम्हारी रक्षा करने वाले गुरु हैं, जन्मों के कर्म संस्कारों को होने वाले गुरु हैं, ज्ञान देने वाले गुरु हैं, धनमार्ग में पहुंचाने वाले गुरु हैं। अगर तुम्हारे अपने ही भाग्य के कारण, अपने कर्मों कारण कुछ तुम्हारी मुरादें नहीं पूरी हुई, फॉरगेट इट। फिर कहते भगवान को भी, भगवान के लिए भी क्षमा भावना रखो। अब हमारे, मैं बताना नहीं चाहती ना, थोड़े दिन पहले किसी भगत का फोन आया, भाई व्यंजी देखना भगवान ने मेरे साथ क्या करा, भगवान ने मेरा कितना बुरा करा। मैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान किसी का बुरा नहीं करे। कहते उसके लिए भी फॉरगिवनेस लाओ। वो कैसे? ये सोचते हैं कि भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया, एक आध बारी कुछ
नहीं भी दिया तो वी शुड हैव द फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट, जो हो गया भूल जाओ। ये बड़ी एक अच्छी बात है, गुरु यही बताते। मैंने देखा गुरु, हमारे गुरुदेव इतने सहनशील, इतने संयमी और इतना धीरज, इतने विचार के साथ, सोच के साथ वो अपने कार्य को करते थे, करवाते थे। जिस जो पात्र जिस कार्य के लिए गुरुदेव को सब पता होता था, उस पात्र को वही कार्य देते थे। मैं भी बताते थे, बेटा सुनिए, जिसके मतलब की जो सेवा ना, उनको वही सेवा कहा कर, जो मर्जी सेवा जिस उसको कह देती है। मैं अच्छा महाराज जी, ये तो कहना ही पड़ता है, अच्छा महाराज जी ऐसे ही करेंगे। अनाड़ी थे, मूर्ख थे, खैर मूर्ख तो अभी भी है, अनाड़ी अभी भी है, परंतु जो करवाते हैं गुरुदेव कराते हैं। हमारे वश की कहाँ है, बिल्कुल हमारे वश की नहीं। मैं आपको बताती हूँ, जो कल मेरे को प्रभु जी ले गए, बेचारी वो बहुत बहुत दुखी थी, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, इतना बिलक रहे थे। मुझे कल वहां जाके इतना शकुन मिला अपने आप में, दमयंती आज तुझे बहुत एक एक मेरी आत्मा ने मुझे बहुत ठंडक दिया कि वो बच्चे जो रो रहे थे उनको मैंने छाती से लगाया, मिथिलेश को कंठ से लगा लिया, मुझे इतना शकुन मिला ना, मैंने उनको कंठ से लगा के यही प्रार्थना करी, हे भगवान आप तो पक्के साथी हो ना इन आत्माओं की, आपका आशीर्वाद, आपकी रक्षा, आपकी दया इन पर बनी रहे। जो हो गया, आत्माएं इतना ही श्वास निकाल के आई थी, उनके श्वास पूरे हो गए, एक कारण बन गया। कोविड इज नॉट ए रीजन, कारण बन जाता है। मौत तो एक कारण लेके आती है, मौत को कोई नहीं पूछता, सम रीजन इज देयर, कारण बना, श्वास पूरे हो गए, चले गए। आप इन पर दया करें। और मैं आपको बताऊं, जाते वक्त तो मैं फटाफट 2.5 घंटे पहुंच गई दिल्ली, हालांकि लॉन्ग रूट था, किसानों का वो ब्लॉकेज है ना दिल्ली बॉर्डर में। वापसी में पता नहीं जो रास्ता था, इतने बड़े बड़े खड्डे पानी के भरे हुए, यू कैन नेवर नो कि कौन सा खड्डा कितना डीप है और कौन सा खड्डा कम डीप है, यू कैन नेवर नो। मैं दावे से कहती हूँ, यस्टरडे वापसी में आई वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, प्रभु जी ले आ रहे थे। इतने बड़े बड़े खड्डे, एक बार ऊंचा एक बार नीचा, बस एक ही बात, प्रभु आप है ना, आप ही तो लाए मेरे को, आप ही ले जाओगे। ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार में। जब बाद में आरती जब बोले, तब तो हाईवे बहुत बढ़िया आ गया था, क्लीन रोड बिल्कुल, तब तो उड़ते हुए आए। तो ये सब प्रभु जी कराते। तो ऐसे गुरु जो सैकड़ों माता पिता से भी, भगवान से भी बढ़ गए हैं, ऐसे गुरु तो गुरु। तो कहने का भाव ये है, हम सारे बच्चे बहुत ही भागशाली है, बहुत ही भागशाली है, ऐसे गुरु मिले। पूरन गुरु कौन है? पूरन गुरु का क्या देह होता है मैं आपको बताऊं। पूरन गुरु अपने शिष्य को जब तक आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हर जन्म में अपनी आत्माओं को, संस्कारी आत्माओं को पूरन गुरु खींच लेते, ढूंढ लेते हैं। तो ये महाप्रभु रामलाल जी ने प्रमाण किया, गिरधर प्रभु जी ने मुझे बताया, मनुष्य जन्म की मंजिल क्या है, टू अटेन द सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य है। जब तक गुरु अपने बच्चे को उस लक्ष्य तक ना पहुंचा दे, तब तक हर जन्म में गुरु अपने बच्चे को, संस्कारी आत्मा को ढूंढ देते हैं। इसलिए गुरु के लिए क्या कहा गया, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तू मेरे सभी देवों के देव, तू मेरे माता हो, तू मेरे पिता हो, तू मेरे बंधु हो, तू मेरे सखा। ये एक साथी जो है ना, ये साथी हमारे परमानेंट साथी है, हमने जीते जी इन्हीं से प्रेम करना है, इन्हीं के जीना, इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के कार्य को करना है, इन्हीं के वचनों को प्राप्त करके हमने इनकी प्रसन्नता को लेना है। इतने कहते हुए अपनी वाणी को आज विराम दूंगी, तो कल फिर देखेंगे प्रभु जी
या फरमाते हैं, एक बात और बताऊंगी, आखिर में प्रभु जी ने ये तो बता दिया कि हमारे अंदर बहुत खजाने हैं, उन खजानों को पाना है। उसके लिए महाराज जी ने योग अभ्यास बताई। उस योग अभ्यास में मैं आपको स्पेशलाइज करती हूँ कि आंखों के लिए त्राटक का अभ्यास करो, आंखों के लिए त्राटक का अभ्यास करो, आपको भगवान के दर्शन। और जवान के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास करो। त्राटक का मतलब घर में ही दरबार के आगे जोत जला लो, जोत के जो लो है ना उसकी टिप को लगातार देखते रहो और उसको रखना अपने से 1-1.5 फीट दूरी पर, लगातार उसको देखते रहो। जब आंख पर पानी आए आंख बंद कर लिया। उसके लिए नाक में घी डालो, नाक से दूध पियो, वो जरूरी है, ये तो खुश्की आ जाती है। प्रभु जी के स्वरूप को भी आप त्राटक कर सकते हो। उसके बाद जवान के लिए, ताकि जवान से आपको अमृत रस की प्राप्ति हो, कहां से? अमृत कुंड से। उसके लिए जवान को खेचरी मुद्रा में लगाओ, अमृत कुंड प्राप्त करके जीव के सारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसके विकार सभी धुल जाते हैं। उस योगी का कोई दुश्मन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि योगी सबसे प्रेम करता है, योगी सबके सद्गुणों को देखता है, अच्छाइयों को देखता है। जब तुम किसी के प्रति प्रेम भावना रखोगे ना, वो तुम्हारे प्रति प्रेम भावना जरूर रखेगा। क्योंकि महाराज जी फरमाते थे, तुम जैसे विचार करते हो तुम्हारे विचार ब्रह्मांड में जाते, और जिसके लिए विचार करते हो वो विचार ब्रह्मांड से लौटकर उसी के पास जाते हैं। इसीलिए जंगलों में महापुरुषों के साथ साथ गाय और शेर, वैसे तो दुश्मन है, शेर गाय को पड़ जाते हैं, बकरी को पड़ जाते हैं, भाई फरमाते हैं जंगलों में जो साधु महात्मा संत लोग जो अभ्यास करते थे ना, ये तो गाय और शेर इकट्ठे उनके पास बैठे रहते थे, बकरी भी साथ में, कोई किसी को कुछ नहीं कहती। हमारे महाप्रभु देखो कहते ना कि सांप, सांप तो उसे काट लेते हैं, दसते हैं, सांप का पॉइजन तो बहुत खतरनाक होता है, और महाप्रभु जी के गले में सांप लिपटे बैठे हैं, शिव स्वरूप है। और चाची ने जब पानी पिलाने से पहले प्रभु जी को थोड़ा टॉन्ट करा और चाची के घर में सांप ही सांप पैदा हो गए, तो चाची घबराई। प्रभु जी ने कहा, सर्वराज मेरी चाची घबरा गई, तुम भाग जाओ। तो ऐसे सांप जिससे हम डरते हैं, जो कहते हैं अजगर सांप डस देता बंदा मर जाता है, ऐसे सांप प्रभु जी के चेले हैं। तो योगी कौन होते हैं? योगी हो क्या, हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, वो बिल्कुल हरे के लिए, हरे के प्रति उनके दिल में दया प्रेम होता है। तो तुम किसी के प्रति प्रेम रखोगे, दया रखोगे, रिटर्न तुमको इससे वही वाइब्रेशन मिलेगी। इसलिए आप अपने आप को सुखी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख लो आज, क्या? कि अपने अंदर सद्भावना रखो, अपने अंदर प्रेम भावना रखो। कोई तुम्हारा दुश्मन भी है ना, उससे प्रेम से बात करो, उसको क्या अरे भाई अगर तुम मेरे से नाराज हो, मैंने तुम्हारे को बिगाड़ा, तो मुझे क्षमा कर दो, मेरे दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कोई बात नहीं। और फॉरगिवनेस में उस बुजुर्ग ने एक बात और भी कही, कहते दुश्मनों को माफ कर दो। मैं सच्ची बताऊं, मेरे जीवन में कुछ कुछ लोग एंटी विचार वाले मेरे जीवन में आए, उनके लिए मैंने क्या करा, आज आपको मैं ट्रिक देती हूँ, टिप बताती हूँ। मैंने कहा भगवान, जब मुझे पता चला, कर्म से पता चल जाता है जो आपके एंटी कर्म करेगा, आपको लगेगा कि इसके विचार मेरे लिए बुरे हैं। मैं कहती प्रभु उसके विचार, आप जी को तो पता है मेरे अंदर उसके लिए कुछ नहीं है, प्रभु उसके विचार भ्रमित हो गए मेरे लिए, वो मेरे लिए संशय युक्त हो गया, संशय आत्मा हो गया, हे प्रभु आप उसकी ना बुद्धि शुद्ध कर दो। मैं बताऊं अगले दिन ही उसका प्रेम का फोन आ जाता है मेरे पास, ऐसे कुछ है ही नहीं उसके अंदर, और मैं अंदर से खुश हो जाती हूँ, मुझे शांति मिलती है। जब मैं कोई विपरीत विचार वाला मुझे पता भी चल जाए ना, मैं सीधा प्रभु जी को प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु आप उसको ना, सद्बुद्धि तो होते ही है, मेरे लिए उनको सद्बुद्धि दे दो, मेरे लिए उनके हृदय में
अच्छी भावना दे दो। प्रभु इतनी सुनते हैं, वाकई दे देते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर जब आपके प्रति शुद्ध भावना आ जाती है तो आपका हृदय कमल खिल उठता है, आप आनंद में रहता है। तो इसीलिए कहता है कि आप जिसको कुछ दोगे रिटर्न आपको वही मिलेगा। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, द्वेष दोगे द्वेष मिलेगा। सीधी सी बात है, एक ज्ञान जो हम लोग दीवार में फेंक देना, लौट के ज्ञान हमारे पास ही आता है, जो हम देते हुए मिलता है। तो इसीलिए अपने आप को मैं तो बड़ा इस फीलिंग के साथ मैं बड़ा अपने को बैलेंस रखती हूँ। आज तक बचपन से लेकर अभी तक मैंने किसी को दुश्मन नहीं बनने दिया। कोई अगर मेरे से कुछ चाहा तो मैंने नहीं दिया, वो नेचुरली उसकी फीलिंग तो गलत होगी ना। उसके आगे भी मैंने माफी मांगी, उसके मैंने पैर भी छू लिए। मेरे महाराज जी बहुत नम्र थे, बहुत दयालु थे, बहुत क्षमावान थे। आप मानोगे, रामलला दरबार का जिस प्रिंसिपल की जिस कॉलेज के प्रिंसिपल ने आघात पहुंचाया, वो प्रिंसिपल को हार्ट प्रॉब्लम हो गई। वो प्रिंसिपल 2-3 महीने बाद गुरुदेव के चरणों में आता है। गुरुदेव मुझे आज्ञा देते हैं, बहनती इसको प्राणायाम सिखा, इसको हृदय का रोग हो गया, और इसकी देवी को खान पान सिखा। मैंने पूरा पर्चा बनाया, पर्ची में सा लिख के दिया। मैं अंदर अंदर सोचू, अरे जिसने हमारे प्रभु जी के दरबार का नुकसान पहुंचाया, महाराज जी ने उसको चरणों में बिठाया, मुझे कहता जा चाय लेके आ, उसको चाय पिला, बादाम रोगन दे, शिलाजीत दे, इसको प्राणायाम सिखा है, और इसकी पत्नी को सारा खान पान सिखा। मेरे गुरु ऐसे हैं तो हमें तो शिष्य को ऐसे ही बनना है ना। तो गुरु, तो गुरु का मतलब क्या है, जो सबसे ऊंचा आपके लिए, जो सबसे महान है वो आपके गुरु। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना लो। फिर कहूंगी बार बार, हम बहुत भाग्यशाली हैं। रामलाल दिलों के मालिक हमारे गुरु, मुरकेश्वर भगवान शिव अवतारी हमारे गुरु, देवीदास भगवान साक्षात विष्णु के रूप वो हमारे गुरु, हमारे लिए वो सबसे बड़े राम मूलक दयाल भगवान। इसलिए हमने हर रोज इनकी आज्ञा का पालन करना है, योग साधना करनी है। ध्यान योग में उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के लिए महाराज जी फरमाते हैं, मन की एक स्थिरता जरूरी है। मन की स्थिरता आरंभ होता है कहाँ से, शरीर से। शरीर को योग अभ्यास दो, यानी के शरीर के द्वारा योग आसन करो। फिर शरीर में वात पित्त कफ का जो बैलेंस है उसको सेट करने के लिए क्या करो, क्या करो, शुद्धि क्रियाएं करो। घृत नेति, सूत्र नेति, जल क्रिया, जलपान, रजकरणी, दूधपान, ब्रह्मधातु आदि। उसके बाद मन को पवित्र बनाने के लिए, मन को विकारों से दूर भगाने के लिए हमने क्या करना है, प्राणायाम, प्राणों को लय करना, प्राण में मन को लय करना। ये चीज कर लोगे तो ध्यान बहुत जल्दी आपको लग जाएगा, और ध्यान लगते ही आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। इन्हीं वाणियों के साथ आज की वाणी का विराम देती हूँ। बोल सकुदेव भगवान की जय। जय बोले, योगेश्वर महाप्रभु राम लाल जी की हो, जय प्रभु, जय जय हो, हो, जय जय हो, जय।